पांडियान को नारे संगीन अभियोग आणिले आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा पांडियान लुचाई रखिछंती रत्न भंडारर चाबी जटणी छत्ता बररे बीजेपी परिवर्तन समावेश रे हिमंत विश्वकर्मा विस्फोरक बयान कमिशन तदंत कले विधानसभा रे रिपोर्ट किंतु सार्वजन्य हेलानी 10 जून पूर्व चाबी फेरांतु पाताल रे थिले भी खोजी बाहर करिबु आपण निश्चिंत रुहंतु जदि मोदी जी राम मंदिर निर्माण करिपारिले तेबे रत्न भंडार चाबी मोदी बाहर करिबे बोली कहिछंती आसाम मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा। रत्न भंडार चाबी हजिछि कहि भ्रमित करि चालिछि बीजेडी। राजनीति रे जदि नोबेल पुरस्कार दिया जानता तेबे एहा पांडियान को मिलिबो। आउ 5 वर्ष समय दिले पांडियान ओडिशा को तमिलनाडु बनाई देबे। ओडिशार विकास पई आवश्यक डबल इंजिन सरकार मोदी जी को 5 वर्ष सुजोग दियंतु पांडियान को तमिलनाडु पठांतु बोली आह्वान देछंती हिमंत विश्व शर्मा। हमारा उड़ीसा जो जगन्नाथ महाप्रभु का आशीर्वाद से हम सब लोग जीता हो, वही जगन्नाथ महाप्रभु का रत्न भंडार का सभी गाइड है। नवीन बाबू चुपचाप है, नवीन बाबू कुछ नहीं करता है। मैं जानता हूं, मैं पक्का जानता हूं, ये सभी पांडियन छुपा के रखा है। इसीलिए जुडिशियल इंक्वायरी का रिपोर्ट असेंबली में प्लेस करने वो नहीं देते हैं। लेकिन निश्चित रहिए, अगर मोदी जी राम मंदिर बना सकता है, मोदी जी रत्न भंडार का साबी भी निकाल सकता है। ये पक्का हमारा वादा है और वो साबी हम निकाल के दूंगा। उत्तर प्रदेश मोदी माराथन प्रचार यूपी लालगंज बदही जैनपुर और आजमगढ़ निर्वाचनी जनसभार विरोधी समाजवादी पार्टी समेत एनडी मेंट विरोध में बर्षिंट प्रधानमंत्री मोदी। राज्य में सपा और कांग्रेस मिलित भावे दुर्नीतिर दुकान चलाइबाकु चाहुछंती। पुणि थरे तुष्टिकरण ट्रिपल डोज बिक्री करिबाकु चाहुथिबा विरोधी को मूलपोछ करिबाकु उत्तर प्रदेशवासी एक होइछंती। बीजेपी सरकार विकास को देखी कांग्रेस हेजादा पेटर दरद हो कटाक्ष कर मोदी। निर्वाचन प्रचार में बीजेपी विरोध में अपप्रचार करुवा विरोधी मेट भोट पर सफा होती प्रधानमंत्री। राज्य में बारंबार विभिन्न परीक्षा प्रश्नपत्र लिक् समस्या समाधान नुआ नीति अपणाई बीजेपी। राज्यर माफिया राजर मूलपोछ करने योगी सरकार आहरी कठोर पदक्षेप ने जाती जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। साथियों, आज भाजपा सरकार में यूपी का तेज विकास हो रहा है। मंदूरी एयरपोर्ट बना है, महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी बनी है, किसान कल्याण के काम हो रहे हैं। लेकिन यूपी के शहजादे को इन कामों से पेट में क्यों दर्द होने लगता है? इन्हें लगता है कि इस क्षेत्र का विकास हो गया तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? आपने तो सपा के गुंडाराज के वो पुराने दिन देखे हैं। बाजार शाम 7 बजे बंद हो जाते थे, माताएं बहनें बाहर नहीं निकल पाती थी, पढ़ाई लिखाई तक के लिए बेटियों का निकलना मुश्किल होता था। भाइयों और बहनों, आज भाजपा सरकार में यूपी इन सारे संकटों से बाहर निकल आया है और योगी जी ने यहां दंगाइयों की, माफियाओं की, अपहरण फिरौती गैंग की, मेरा जो स्वच्छता अभियान है ना, योगी जी ने उत्तर प्रदेश में बराबर चलाया है। अब यूपी में तेजी से आधुनिक सेवाएं बनाई जा रही है। मुबारकपुर का साड़ी उद्योग हो या फिर निजामाबाद के मिट्टी के बर्तन या फिर यहां का गुड़, ऐसे हर उत्पाद को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। और इसलिए मैं
वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ा रहा हूँ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।